ये सबको सबका बहुत बहुत स्वागत है। मकर संक्रांति सेलिब्रेशन ब्रह्मांड ज्योति संस्थान की ओर से आज हम करेंगे। लास्ट ईयर भी चाहे कोरोना था, लेकिन हमने मकर संक्रांति सेलिब्रेशन जरूर किया था। ऐसे ही हम आज भी ये कर रहे हैं और आप सबका उसमें हार्दिक स्वागत है, क्योंकि ये मकर संक्रांति सेलिब्रेशन है तो हमारे जो भी स्टूडेंट या जो भी टीचर्स, आप सबका मैंने माइक ओपन रखा हुआ है। आपको कभी भी कोई प्रश्न करना है आप कर सकते हो, ठीक है? तो अगर कोई बात करनी हो या कुछ डिस्कस करना हो तो भी वो हो पाएगा। अभी हम मकर संक्रांति का जो प्रोग्राम का जो डिस्कशन है वो हम शुरू कर रहे हैं, खास करके मकर संक्रांति किसको कहते हैं और क्या सिचुएशन है इस मामले में। मैंने कल आपको लिखा हुआ बहुत कुछ दिया था, अगर आपने उसको पढ़ा हो तो आपको इसमें से बहुत सारी चीज ऐसे मालूम पड़ेगी कि सूर्य का उत्तरायण की तरफ आना, उत्तर दिशा की तरफ आना, उसको ही मकर संक्रांति उत्तरायण प्रारंभ कहा जाता है। और सूर्य उसी में जब अभिजीत नक्षत्र में आए, एक बात पे खास ध्यान देना है, अभिजीत नक्षत्र को 28वां नक्षत्र बताया गया है, लेकिन हमारे आज के किसी भी ज्योतिष के फैक्टर ने उसका उल्लेख ही नहीं किया। आपको ये बता दूं, मैं चाहे नासा हो चाहे ग्रीनिज हो, दोनों ने अभिजीत नक्षत्र का बिल्कुल उल्लेख नहीं दिया, जबकि अभिजीत नक्षत्र को 28 नक्षत्र के अंदर उसकी गिनती की गई है। और खास करके अभिजीत का उल्लेख, जब भी उत्तरायण और दक्षिणायन प्रारंभ हो तभी सूर्य को यही दो नक्षत्र के अंदर स्थान मिला है। वैदिक ज्योतिष परंपरा में आप इस चीज को जानो, उत्तरायण प्रारंभ और दक्षिणायन प्रारंभ पूर्णिमा के दिन ही होता है। कुछ महत्व का फैक्टर है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। कोई भी तारीख को या 14 जनवरी को या 21 दिसंबर को या 22 दिसंबर को उत्तरायण प्रारंभ या उत्तर गोल प्रारंभ ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। स्पेसिफिकली जब गुरु पूर्णिमा होगी अषाढ़ पूनम को, तभी दक्षिणायन प्रारंभ होगा। और जब ये पौष पूर्णिमा होगी, अभी पौष महीना चल रहा है आप सबको मालूम है वो, जब भी पौष पूर्णिमा होगी उस वक्त अभिजीत नक्षत्र में, देखो तब वहां पुष्य नक्षत्र में सूर्य आएगा। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, अषाढ़ पूनम के दिन पुष्य नक्षत्र में सूर्य आएगा तभी वो उसको उसको दक्षिणायन प्रारंभ माना जाएगा। और पौष पूर्णिमा के वक्त जब पुष्य नक्षत्र में सूर्य आए, अभिजीत नक्षत्र में सूर्य आएगा, अभिजीत नक्षत्र में सूर्य आएगा और पुष्य नक्षत्र में चंद्र आएगा, ये 28 नक्षत्र में ये दोनों नक्षत्र बराबर आमने सामने, पुष्य नक्षत्र के बराबर सामने अभिजीत नक्षत्र, जब अषाढ़ पूनम होगी तब सूर्य अभिजीत में होगा, चंद्र पुष्य में होगा, तभी वो आमने सामने पूर्णिमा होगी। और जब ये पोष महीना चल रहा होगा उसकी पूनम में सूर्य अभिजीत में होगा, चंद्र पोष में होगा। समझ में आया? ये एग्जैक्ट दोनों आमने सामने के नक्षत्र में होंगे और तभी ये उत्तरायण शुरू होगा। उत्तरायण दक्षिणायन का बहुत बड़ा महत्व है। उत्तरायण के वक्त से ही, उत्तरायण के दिन से ही, जैसे ही सूर्य अभिजीत में आता है, आपको ये पता होगा बराबर, देखो मकर राशि में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में मकर राशि में प्रवेश बोला गया है। उत्तरायण को मकर राशि में प्रवेश कब होगा? उत्तराषाढ़ा नक्षत्र छोड़ के जब सूर्य निकलेगा तभी होगा ना, उसके अंतिम नक्षत्र को ही फिर श्रवण नक्षत्र बताया है ना, श्रवण और उत्तराषाढ़ा के मध्य को ही अभिजीत बताया है, बराबर, उसके जंक्शन को अभिजीत बोला है। तो उन्होंने अभिजीत का स्थान वो नहीं चेंज कर सकते थे, वो अभिजीत का स्थान चेंज नहीं कर सकते थे, उनको कंपलसरी बताना पड़ेगा क्योंकि ये शास्त्र पाठ होते हैं। अभिजीत का स्थान उन्होंने वहीं पे रखा, मात्र 40 कला के लिए रखा, ये गलती हो गई। कम से कम 4 दिन तक सूर्य अभिजीत में रहता है और जब भी मकर संक्रांति शुरू होगी 3 दिन तक तो उसका उत्सव होता ही होता है। आप देखोगे लोहड़ी, देखो मैंने शुरू लोहड़ी से किया, मैंने सारे धार्मिक उत्सव के लिए बोला है आपको,
लोहड़ी एक दिन पहले शुरू होती है मकर संक्रांति के, बराबर। लोहड़ी बराबर एक दिन पहले शुरू होती, और एक दिन पहले लोहड़ी का शुरू होना मकर संक्रांति आज, और दूसरे दिन, ऐसे 3 दिन तक मकर संक्रांति का सेलिब्रेशन होता है। इन तीनों दिन आपको सूर्य अभिजीत में जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। आइए इसकी सिचुएशन को समझते हैं हम। लोहड़ी के पूजन में काले तिल का प्रयोग होता है। हर एक चीज में तिल आएगा, काला तिल, सफेद तिल। सफेद तिल से ज्यादा काला तिल का महत्व ज्यादा है, क्योंकि शनि भी मकर राशि में जा रहा है। शनि मकर रा ये शनि की मकर राशि में सूर्य जा रहा है, शनि की मकर राशि में सूर्य जा रहा है, प्रवेश कर रहा है। तो काले तिल का सबसे ज्यादा महत्व है। तिल इसीलिए खास, इसमें हवन हो, शांति हो, सब में तिल का प्रयोग होता है, सब में तिल का प्रयोग होता है। क्योंकि तिल बिल्कुल अंदर तेल से भरा हुआ होता है, उसमें जरा भी आपको कहीं से भी कोई भी एंगल से उसमें अशुद्धि नहीं मिलेगी। पूजा हो, हवन हो, उसमें जो काष्ठ का भी प्रयोग होता है ना, आंकड़े का वृक्ष, आपको मालूम होगा आंकड़ा, ये भी शनि का वृक्ष है। आंकड़े के वृक्ष का प्रयोग होता है इसमें, जो भी समिध लगता है हवन में उसमें। और तिल और तेल आपको पता है ना किनको चढ़ता है, तिल और तेल दोनों। अगर जिन्होंने भी रुद्र की है ना, हम सब साथ में गए थे, आपको पता होगा तिल तेल सब चढ़ता है उसके ऊपर, शिवलिंग के ऊपर तिल तेल सब चढ़ता है, हनुमान जी के ऊपर तेल सब चढ़ता है। चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? चढ़ता है, ये सारे शनि के हैं। हनुमान जी, अगर आज सनातन धर्म ने बोला कि हनुमान जी ने अपने उन्होंने अवतार धारण किया, तो शिव जी का ही अवतार मानते हैं उनको, बराबर। और आज कह रहे हैं कि हनुमान जी आज भी सदैव में है, विद्यमान है, उन्होंने देह त्याग नहीं किया है, पता है ना ये। इसीलिए शनि ग्रह को बलवान करने के लिए सनातन धर्म ने इस चीज को ज्यादा महत्व दिया। एक बात फिर से दोहराऊंगी, अगर हमें किसी भी देव देवी से अपने बड़े बड़े काम निकलवाने हो, तो उनकी भक्ति करनी ही पड़ेगी। जो देव जो चीज देना जानता है, जो चीज उसके पास है, जो चीज जिसके पास है, उसकी भक्ति उसको करनी पड़ेगी। अगर अगर आपको किसी मैटर पे, अगर किसी को ब्रह्मांड ज्योति संस्थान से सर्टिफिकेट लेना है, तो उसको ब्रह्मांड ज्योति संस्थान में एंट्री लेनी पड़ेगी। लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? बस यही बात, यही बात। अगर आपको कोई लंबी आयु चाहिए, अगर आपको दीर्घायु चाहिए, अगर आपको अमरत्व चाहिए, तो आपको इसी देव देवी के पास जाना पड़ेगा, जो उनके बस में है, जो उनके पास है। अमरत्व तो इनके पास भी नहीं, वो लोग भी अमरत्व देते हैं ना, तो कुछ ना कुछ शर्तों के साथ देते हैं, है ना। बहुत सारी स्टोरी हुई है ना ऐसी। प्रहलाद को भी, प्रहलाद ने वो हिरण्यकश्यप को कैसे अमृतत्व दिया था, कि ना दिन में ना रात में, ना मनुष्य ना नर, तू उसको नहीं नर मार सकता, ना वानर राक्षस मार सकता, ना वो दिन में मर सकता, ना वो रात में मर सकता। उन्होंने ऐसे नहीं दे दिया कि जा अमृतत्व तू कभी नहीं मरेगा, ऐसा नहीं दिया है। दिया ऐसा नहीं दिया है। तो जब मरने का समय है, तब ना दिन ना रात, ना नर ना मनुष्य, जब मरने का समय आया तब। और रावण को भी आप आपको पता है, रावण को भी शिव जी ने कैसे वरदान दिया। ये सारी चीजों को बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको, अगर हमें ये सनातन धर्म और ये सारी पौराणिक कथा और ये ग्रह नक्षत्र से अगर हमको हमारा पाला पड़ा है ना, तो ये सारी चीजों को हमें जानना पड़ेगा। रावण ने भी वरदान मांगा था शिव जी से कि मुझे अमरत्व दो, तो शिव जी ने उनको भी क्या वरदान दिया कि नर और वानर के सिवा किसी से तू नहीं मर सकता। उन्होंने वानर और मनुष्य को उसके अलावा बोला, बोलो ये वरदान मिलेगा, चाहिए तो लो, नहीं तो नहीं। उन्होंने भी दो चीज बाकी रखी थी ना। रावण ने ये सोच लिया कि मनुष्य और वानर तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मनुष्य और वानर तो मेरे सामने कुछ है ही नहीं, मुझ में तो बहुत ज्यादा ताकत, मैं तो राक्षस हूं, मनुष्य वानर को तो मैं ऐसे ही खा जाऊंगा। तो उन्होंने भी हां कह दिया कि ठीक है दे दो। तो
जो देव से आपको जो चीज चाहिए वो देव से आपको जाके मांगना पड़ेगा। शिव जी ये दोनों को अमरत्व नहीं दे पाए क्योंकि अमरत्व तो खुद उनके पास भी नहीं है। जो उनके पास नहीं है वो आपको मिलेगा? नहीं मिल सकता। त्रिदेव दुनिया ये सनातन ये जो पृथ्वी है उसको संभाल रहे हैं, उसको संभाल रहे हैं। तीनों अपनी अपनी अवस्था पे बैठ के सबको संभाल रहे हैं। उनको भी तो एक के बाद अवतार लेना पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो उनका स्थान वैसा का वैसा रहेगा लेकिन बस एक जगह जाएंगे, मृत्यु प्राप्त करेंगे, फिर दूसरा जन्म लेंगे, फिर मृत्यु प्राप्त करेंगे, ये तो होता ही रहेगा। वो तीनों को भी मनुष्य रूप में तो आना ही पड़ता है ना, अवतार लेने के लिए आना पड़ता है, जीना पड़ता है, मरना भी पड़ता है। पड़ता है कि नहीं पड़ता है? बिल्कुल फिर और उनके स्थान को भी वो अपने आप उनके स्थान की पूर्ति होती है। देव है, रूप बदल सकते हैं, ज्यादा रूप ले सकते हैं, अपने स्थान पे भी स्थान को भी वो बरकरार देव के रूप में रखेंगे और खुद यहाँ आके जन्म लेके कुछ समय तक रहेंगे फिर चले जाएंगे, ये तो पॉसिबल है। आप ये सब चीजों को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते, ठीक है? अब हम आगे जाएंगे। लोहड़ी के पूजन में काले तिल का प्रयोग, लोहड़ी का एक दिन पहले सेलिब्रेशन, ये सारा अभिजीत में सूर्य आ गया है, अब मजा करो, सेलिब्रेट करो। अभिजीत से बढ़िया नक्षत्र बिल्कुल नहीं है। क्यों, मेरा ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है क्या सबको? क्लियर आ रहा है मैम? हाँ बस बस फिर क्लियर है मैम। आप जो भी है मेरा आवाज क्लियर आ रहा है, आप सुनिएगा, आपके ऑडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आगे हम जाएंगे तो जो जो लोहड़ी या जो जो उसके पूजन और जो जो उसकी क्रिया है, आपको यहाँ एक और चीज जाननी है। हर एक स्टेट में मकर संक्रांति को अलग अलग नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, अलग अलग नाम। साउथ में भी उसको पोंगल बोला गया है, नॉर्थ में उसको लोहड़ी बोला गया है, पूर्व के देश, पश्चिम के देश, आपके यहाँ आप आओगे यहाँ इस तरफ गुजरात में उसमें तो मकर संक्रांति बोला गया है उसको, है ना? तो हर, गुजरात हाँ जी, उत्तराखंड में भी आपको देव देवियों और वहां के दर्शन ये इसके बाद ही ज्यादा खुलते हैं। आपको ये पता होगा बद्रीनाथ केदारनाथ, अब उनका दर्शन होना शुरू हो जाएगा। अब वो जगह पे सब दर्शन दर्शन के लिए पूरे मंदिर और उसके द्वार खोल दिए जाएंगे, क्योंकि जो 6 महीना अभी चल रहे थे वो देवताओं के दिन सो गए थे। देव आप बोलते हो ना, देव पोढ़ी एकादशी बोलते हो ना, देव सो गए, फिर देव शहरी एकादशी, देव जाग गए, और वो देव सो गए वो जाग गए वो सिर्फ 4 महीना है, लेकिन दक्षिणायन 6 महीने का होता है। कितने का? तो ये जो 4 महीना इसके चौमासे के देव पोढ़ी से लेके देव उठी वो 4 महीना और 2 महीना और ऐसे 6 महीने तक दक्षिणायन का जो भी दिन होता है उसको पितृओं के दिन कहे जाते हैं। किसके कहेंगे आप? पितर लोक के दिन, पितृलोक के। ये सारे पितृलोक के दिन है। यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं होता था पहले, अब कोई नहीं समझता इसको, आज के समय में कोई नहीं समझता है, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो सो संस्कार है सनातन धर्म के, मुंडन से लेके गर्भ संस्करण या फिर जो सीमंत हो, कुछ भी प्रोग्राम ये मकर संक्रांति से पहले पितृयान के 6 महीने में कभी नहीं होते, कभी नहीं होते। अगर जन्म हुआ या ये तो अलग बात है, लेकिन कोई भी संस्कार, कोई भी धार्मिक, तो कोई भी जनोई देना, कोई भी दीक्षा लेना, हिंदू धर्म की मैं बात कर रही, शादी ब्याह कुछ नहीं होता, क्योंकि ये 6 महीना पितरों के मानते थे, पितरों की पूजा होती थी, सब होता था, लेकिन ये सब नहीं है, ठीक है? तो जैसे ही ये उत्तरायण शुरू होता है, काले तिल, उसका स्नान, उससे खाना, उसका दान करना, उसका हवन करना, आपको तो पता है, ये आपने पहले सुना हुआ है, 6 प्रकार से तिल का उपयोग होता है, प्रयोग होता है, खाने में, नहाने में, स्नान करने में, दान करने में, हवन करने में, है ना? तो ये सारे
तरीके हैं उसके तेल का प्रयोग करने में। अब और मैं कुछ और महत्व की बातों पे मैं जाऊंगी। इसका पुण्य काल का आरंभ 14 जनवरी शाम दोपहर से 2:43 से तो हो चुका है। संक्रांति प्रवेश कल ही 14 जनवरी के ही 2:43 से हो चुकी है। खास करके रात का महापुण्य काल का जो समय है वो 4:28 से लेके 1 घंटे तक उसका महापुण्य काल माना है। लेकिन एक बात पे जरूर ध्यान दो, बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे अपने जैसे कि साउथ वाले अलग हो गए ज्योतिष में, नॉर्थ ज्योतिष अलग हो गया, इनमें से कोई ऐसे भी है कि शाम के वक्त अगर संक्रांति बदले ना तो सूर्य तो अस्त हो चुका है, कोई भी पुण्यकाल वो नहीं मानते, कोई भी इसको पुण्यकाल नहीं मानते हैं। जब सूर्यास्त के आसपास अगर संक्रांति चेंज होगी तो ये संक्रांति कब जाएगी? दूसरे दिन। कब जाएगी? दूसरे दिन। तो अब अगर ये शाम को ही पुण्यकाल उसका खत्म हो चुका है, अब आपको आगे जो भी क्रिया, धार्मिक क्रिया, जो भी सूर्य सूर्य स्नान, जो भी पूजा, जो भी करनी है, सब कल सूर्योदय के बाद करनी, क्योंकि सूर्य अस्त हो चुका है। इसीलिए हमारे यहाँ शाम को आज 4:30 के बाद सूर्य संक्रांति बैठी है। और आपको ये पता है अलाहाबाद या कलकत्ता या बांग्लादेश और या जापान, ये सारे देश में तो सूर्य अस्त हो चुका था। कलकत्ता में तो 4:30 को ही सूर्य अस्त हो जाता, तो ये सब देश में आज नहीं, वो लोग कल करेंगे संक्रांति। ठीक है, इस चीज पे भी ध्यान दीजिएगा। आज भी आपको अर्घ देना है, ये देना है, पानी में तिल डाल के अर्घ कल सुबह जरूर दे दीजिएगा। जिनको भी ये पूजा करनी है, जो भी करना है, कल सुबह आप जरूर कर लीजिएगा। अभी पूजा की बात मैंने की, अब मैं आगे इसकी दूसरी बात कर रही हूँ। खास करके लोहड़ी, लोही के ऊपर से उसका नाम पड़ा है और पाक फसल का ये समय है। खास करके उत्तर के, उत्तर भारत में फसल होती है ये समय में, इसीलिए जब नई कटाई, नई फसल, ये सारे हमारे 16 संस्कार में आ जाता है। उसके भी मुहूर्त होते हैं, बीज बोने के भी मुहूर्त होते हैं, ये सब चीज का मुहूर्त होता है। तो अब जब जैसे जैसे फसल होगी या उगाई जाएगी, मुहूर्त के अनुसार होगी, होती जाएगी। कुछ कुछ फसल ऐसी होगी जो उत्तरायण के बाद ही शुरू होती, क्योंकि अभी तक तो कभी भी बारिश आ जाती है, आपने देखा होगा उत्तरायण तक तो कभी भी बारिश आ सकती कि नहीं आ सकती? भारत में तो कभी भी बारिश आ सकती है। इसीलिए ये समय में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो पाक बोया नहीं जाता है, इसीलिए ये इसके बाद ही की जाती है। और आगे हम जाएंगे मकर संक्रांति। मकर संक्रांति जैसे ही शुरू होगी, खर मास समाप्त होगा। इस बात पे ध्यान दो, खर मास किसको कहते हैं? आपको ये पता होगा कि 14 दिसंबर से लेके 14 जनवरी तक का एक महीना पूरा, ये एक मास कमूरता, गुजराती में हम उसको कमूरता बोलते हैं। कमूरता का मतलब खूब मुहूर्त, जो बिल्कुल भी शुभ मुहूर्त नहीं होता, बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। वैसे तो 6 महीना शुभ नहीं है, लेकिन एक महीने को ज्यादा महत्व दिया है, खर मास बोला गया शास्त्र में, उसको खर मास बोला। ये पूरा जो एक महीना है उसको खर मास बोला गया है, जब सूर्य का धन राशि में प्रवेश है। याद रहा ना आपको, धनार्क बोलते हैं ना उसको, धनार्क कुमूर्ता बोला जाता है। तो धनार्क में सूर्य का रहना मतलब ये अशुभ महीना है, यहाँ कोई भी शुभ काम नहीं होगा, इसलिए ऐसे महीने को खर मास कहा जाता है। समझ में आया? और ऐसे ही मीनार्क आएगा, मीनार्क को भी वो लोग खर मास मानते हैं, उसमें भी कोई शुभ काम नहीं होता। आइए, तो खर मास का ये मतलब हुआ 14 जनवरी को मकर राशि में 2:29 पे प्रवेश होगा। 2:30 बजे सूर्य का मकर राशि में प्रवेश हुआ है, तो मकर संक्रांति उसके बाद ही शुरू हो चुकी है और तब से ये खर मास समाप्त और नया महीना शुरू। आओ आगे आओ, क्योंकि कौन क्या मानता है ना, इसको भी जानना बहुत जरूरी था, इसलिए ये सारी चीज मैंने आपके सामने रखी है। अब एक और बात शास्त्र में आएगी, 12 संक्रांति पड़ती है। देखो ध्यान दो, ये सबको पता है,
हर महीने में हर राशि में सूर्य जाएगा। ज्योतिष जानता है कि 12 राशि है, तो 12 महीने में जब भी सूर्य एंट्री लेगा उसको संक्रांति ही कही जाएगी। और उत्तर में, उत्तर के प्रदेश में जब भी सूर्य राशि बदलेगा उसको ही बैसता महीना माना जाता है। ये आपको नहीं पता है तो मैं बताऊं, पंजाब में बैसता महीना, नया महीना उसी को माना जाएगा जब सूर्य राशि बदलेगा। हमारी तरह नहीं, चंद्र के ऊपर नहीं कि भाई आज बैसता महीना, अमास के बाद के दूसरा दिन नया महीना है, ऐसा नहीं। सूर्य जब राशि बदलेगा तब बैसता महीना। इसीलिए 12 राशियों की, 12 सूर्य के प्रवेश के 12 महीने वो मानते हैं, और उसके हिसाब से, उनके हिसाब से तो कभी अधिक महीना आएगा ही नहीं। आएगा बोलो, आएगा? कभी नहीं आएगा। वही 12 महीने की सूर्य संक्रांति मानते हैं वो, तो 12 महीने की सूर्य संक्रांति आई तो अधिक मास चंद्रमास तो उनकी गिनती में आता ही नहीं। ऐसा भी प्रदेश इंडिया में है, पता था आपको? नहीं पता था। तो 12 संक्रांति पड़ती है और इसी 12 महीने को ये महत्व देते हैं। अब उत्तरायण में खास महत्व क्यों है? क्योंकि उत्तरायण से पितृ पक्ष खत्म हुआ और देव पक्ष शुरू हुआ, बराबर। देव यान कहा गया, सूर्य अब देवताओं के यान में बैठा। यान मतलब विमान, देवताओं के विमान में सूर्य ने प्रवेश किया देवताओं के एरिया में, इसलिए इसको शुभ माना है। ठीक है, मकर संक्रांति के लिए। एक और बात है कि मकर संक्रांति सूर्य प्रवेश के बाद बड़े बड़े जो दिन है वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। सॉरी, गलत बोल गई। अभी तो आपके सबसे बड़ी रात और छोटा दिन है, अब दिन बड़ा होना शुरू हो जाएगा। मकर संक्रांति में प्रवेश होने के बाद दिन धीरे धीरे बढ़ेगा, रात धीरे धीरे छोटी हो, बराबर। दक्षिणायन में रात धीरे 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 करके बड़ी थी, जून से लेके दिसंबर। मैं अभी जून दिसंबर भूल जाऊंगी, अभी आपको बताने के लिए बोल रही हूँ। लेकिन दक्षिणायन प्रवेश से दक्षिणायन एंड तक रात बढ़ती है, दिन छोटा होता है। और जैसे ही उत्तरायण प्रवेश होगा रात बढ़ेगी, रात कम होगी दिन बढ़ेगा। अब यहां से लेके दक्षिणायन प्रवेश तक रोज दिन थोड़ा थोड़ा बड़ा होगा, ठीक है, रात छोटी होती जाएगी। आओ, खगोलीय ग्रह में सूर्य को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। सूर्य हर साल में धनु राशि से लेके मकर संक्रांति में प्रवेश करता है। ये मैंने खास यहाँ आपको दिया था, आपको पता चले कि 72 साल में एक दिन का अंतर पड़ जाता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, बराबर, बहुत बार बताया है, फिर से आज बता रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जो सूर्य का एक साल का रोटेशन है वो 365 दिन 6 घंटा और 20 मिनट का है, बराबर, बराबर। ये हमारा निरियन ज्योतिष कह रहा है। साइंट ज्योतिष क्या कह रहा है? 365 दिन और 6 घंटा, उन्होंने 20 मिनट निकाल दिया। 365 दिन और 6 घंटा, तो 6 6 6 6 6 6 चार साल में एक साल बढ़ा दिया लीप ईयर बना के। तो 6 घंटे तो चार साल बाद कवर हो गए, हर साल नहीं हुए, चार साल बाद हुए। लेकिन 20 20 20 20 चार साल की 80 मिनट कहां गई? 80 मिनट मतलब सवा घंटा, अगर आप उसको नहीं गिनोगे तो आपकी गिनती सही होगी? नहीं हो पाएगी ना। तो एक साल की 20 मिनट, एक साल की 20 मिनट, बराबर। तो आप धीरे धीरे आगे चलिए, तीन साल के एक घंटा हुआ, तीन साल का एक घंटा, तो 24 घंटे को 24 से तीन गुण हो तो 72 साल, 24 तरी 72 हुआ, 24 को तीन से गुणों के 72 हो जाएगा। तो 72 साल में पूरा एक दिन बढ़ गया, बढ़ गया। तो हर 72 साल के बाद ये तारीख 14 जनवरी से 15 जनवरी तक पहुंच गई। और ये आई कहां से है? आज 2000 साल हुए, तो 2000 साल पहले ये 21 दिसंबर को थी। आपको पता है ये लोग 21 दिसंबर दक्षिण गोलार्ध उत्तर गोलार्ध प्रवेश मानते हैं, बराबर।
तो 21 दिसंबर सायन ने पकड़ के रख लिया, वो आए नहीं आगे, वो आगे नहीं आए। लेकिन हर 72 साल बाद एक दिन, 21 से 22 दिसंबर, 22 से 23 दिसंबर, और 72 साल गए 24 दिसंबर, और 72 साल गए 25 दिसंबर से होके आज 14 जनवरी से 15 जनवरी तक पहुंच गया। तो जो 25 डिग्री आगे निकल गए हैं ना, वो सायन निरियन का जो अयनांश का फर्क 25 डिग्री का है ना, ये 25 दिन का फर्क है। 21 दिसंबर से 15 जनवरी कितने दिन का फर्क हुआ? 15 और 9, 24 छब्बीस चौदह दिन हो गए। तो 24, 25 डिग्री अयनांश आज है। अब समझ में आया सही गणित किसका हुआ? बताओ, अयनांश बात करते हैं वो, या अयनांश सायन वाला सही या निरियन वाला सही? निरियन सायन का फर्क समझ में आ गया? निरियन और इसमें सायन गणित जो आप पढ़ रहे हो, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। और इसको आप ऐसे ही समझ पाओगे, ऐसे ही हमको सुनना है, ऐसे ही ध्यान में आएगा, नहीं तो ध्यान नहीं आएगा हमारा। ठीक है? अच्छा, अभी ये 10 मिनट बता रहा है, आप सब वापस आ जाइएगा। ठीक है, 40 मिनट में जूम मीटिंग बंद होती है, आप सब लोग जैसे ही बंद हो जाए वापस आ जाओगे। ठीक है, ओके, चलो आगे जाएंगे। तो इस तरह हर 72 साल के बाद एक दिन का फर्क आना, और इसी को सायन निरियन बताया गया है। हम लोग निरियन ही मानेंगे। उन लोगों ने उत्तरायण प्रवेश, उत्तर पूर्व प्रवेश, अभी भी वो 20 दिसंबर पे अटके हैं, जबकि 15 जनवरी तक पूरा आकाश आगे घूम चुका है। समझ में आई बात आपको? उन्होंने मकर का प्रवेश, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश 20 जून को ही कर, 20 दिसंबर को ही कर लिया। उन्होंने तब बदल दिया जबकि अभी तक मकर में प्रवेश अब हुआ है। तो सारे ग्रह आज, खाली सूर्य नहीं, सारे ग्रह 25 डिग्री आगे चल रहे हैं उनके। और आज तो सिर्फ डिग्री आज तो सिर्फ 25 डिग्री आगे चल रहे हैं। आप ये सोचते जाओ 25-30 हजार साल के बाद तो तक तो उनका पूरा का पूरा, मतलब जब ग्रह उदित होंगे ना, तब वो बोलेंगे अस्त हो रहा है। जब मेष में, अभी तो अभी मेष में, अभी मकर में जब सूर्य है, खाली 25 डिग्री का फर्क है। मान लो कि 10-12-15 हजार साल निकल गए, तब तो मेष में सूर्य हो, वो बोलेंगे तुला में है। बोलो, मानना है उसको? आप मानोगे? सूर्य मेष में होगा और बोलेंगे तुला में है। आगे निकल गए ना, 7 राशि आगे निकल जाएगी। हम तो आज भी नहीं मानते कि 25 डिग्री ग्रह आगे है। तो 5 हजार साल के बाद तो वो सीधी 2 राशि आगे निकल जाएंगे। 10 हजार साल के बाद 4 राशि, और 15 हजार साल के बाद मेष में सूर्य होगा और बोलेंगे तुला में है। बोलो, ऐसा गणित आप मानोगे? तो आज से ही मत मानो। इनके गणित में बिल्कुल धन धड़ा नहीं है, कोई भी सिस्टम नहीं है, टोटल फेल है उनका गणित। वो सभी ग्रहों को 25 डिग्री आगे बता रहे हैं। ऐसे गणित में हमें नहीं जाना है, हमें अपने शास्त्र में और शास्त्रीय पाठ में वापस पहुंचना ही पहुंचना। बराबर मानते हो इसको? ये तो कौन सा कैलेंडर है मैडम? इनका हाँ जी, कैलेंडर कौन सा है? कैलेंडर तो आप उनके, हम जो नासा से हम जो गणित लेते हैं ना डिग्रियां, आप उसको क्या बोलोगे? एफीमरीज। एफएमरी साहब, हाँ, एफीमरीज, उनकी एफीमरीज तो 25 डिग्री आगे बता रहे हैं सभी ग्रहों को। ओके। आप अपने फोन में जो करते हो ना चेंज, फोन में भी, फोन में जो प्रोग्राम है ना, उसमें सायन की डिग्री देख लेना, निरियन की डिग्री चेक कर लेना, आपको 25 डिग्री का अंतर मिलेगा। ओके। एक बार अपनी कुंडली, आपकी अपनी कुंडली, सायन कुंडली प्रिंट आउट करा लो।
और नीरियन कुंडली प्रिंट आउट कराओ, आपके अपने भी हर एक कुंडली के भी उस इतने साल पहले के भी ग्रह आपको कम से कम 23 डिग्री दूर मिलेंगे। ओके हाँ, और ऐसा वो बोल रहे, दुनिया को सब मान लो, कैसे कोई मानेगा? ठीक है, तो अब आपको इसी यहाँ ही ये मुद्दे से ही मालूम पड़ेगा कि निरियन गणित सबसे सच्चा और एक्यूरेट गणित है। ठीक है, आओ आगे। अभी हम आगे की दूसरी बात करेंगे, ये 72 साल वाली बात तो आपको समझ में आ गई, कोई क्वेश्चन होगा तो पूछ लेना। हाँ, बीच में ही अब ज्योतिष की दृष्टि की बात की है, भारत उत्तरी गोलार्ध में है। भारत कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। और आपके सूर्य चंद्र घूमने का एरिया कहाँ है? दक्षिण गोलार्ध में। सूर्य हमारे से दक्षिण में घूम रहा है, हमारे तक तो सूर्य पहुंचता भी नहीं है। आपको ये कैसे मैं बताऊं? कैसे देखो, 0 डिग्री श्रीलंका और 8 या 9 डिग्री पे मद्रास। तो सूर्य का घूमना 0 से 8 डिग्री तक ही है, मद्रास तो 9 डिग्री, मद्रास तक भी सूर्य नहीं है। मद्रास से ऊपर ऊपर जितना आप उत्तरी गोलार्ध में जाओगे, सूर्य घूम नहीं रहा, उसके एरिया से नहीं, वो डिग्री से नहीं घूम रहा है। ठीक है, ठीक है, बराबर उसके नीचे से ओके घूम रहा है। okay. 1 डिग्री पे केन्या, 1 डिग्री पे सिंगापुर, 1 डिग्री 0 डिग्री पे श्रीलंका, तो वो ही एरिया में उसके ऊपर से घूम रहा है। और आप देखोगे केन्या में या साउथ अफ्रीका में और श्रीलंका में सबसे हाईएस्ट गर्मी गिरेगी, और सबके रंग भी आप देखो, वहां जन्म लेने वाले वहां रहने वाले के सबके रंग भी आपको काली मिले। ये कारण, इससे और ऊपर 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 जाओ, अब वहां कोई यहां वाला केनियन या कोई श्रीलंकन जाके रहा होगा तो ही उसके बच्चे काले, बाकी वहां के जो ओरिजिनल लोग हैं वो कभी भी आपको काले नहीं मिले। जैसे जैसे आप नॉर्थ में ऊपर चढ़ोगे वैसे, क्योंकि वहां तक सूर्य जाता नहीं। ठीक है, आओ अब हम संक्रांति देवी की बात करेंगे। संक्रांति देवी जो जो चीज का प्रयोग करती है वो चीज महंगी होती है, ये तो हमारा बड़ा बेस है, मुद्दा है संक्रांति के फलादेश का। तो इस बार संक्रांति देवी ने अपना वाहन बाघ बनाया है, टाइगर, और उपवाहन है घोड़ा। देखो ये दोनों उन्होंने इस बार बहुत बढ़िया वाहन लिया है। बराबर, शेर भी जंगल का राजा है, मजबूत प्राणी है वो जंगल में, और घोड़ा भी सबसे ज्यादा ताकतवर, शेर सबसे ज्यादा ताकतवर, घोड़ा सबसे ज्यादा ताकतवर। हाँ या ना? एक वेजिटेरियन में ताकतवर, एक नॉन वेजिटेरियन में ये वो ही ताकतवर, ये दोनों से कोई और ताकतवर है? नहीं है। अब हमें ये ध्यान से ये बात सुननी है कि संक्रांति देवी जो जो वाहन जो जो चीज इस्तेमाल करती है उसको पीड़ा और कष्ट होता है ना। अभी तक हमने देखा है वो कन्या, जब कन्या रूप में आती है तो कन्याओं को बहुत पीड़ा हुई। इस बार उसने वाहन लिया है बाघ और घोड़ा। एक बात पे ध्यान दो, शेर बाघ, बाघ कैसा होता है? कहीं से भी छुप के आएगा, तड़ाप मारेगा और निकल जाएगा। बराबर, आपको पता है 1 महीने से क्या हो रहा है इंडिया में? बाघ जैसे लोगों को परेशानी होना शुरू हो गई, मालूम पड़ा आपको? किसी को पता है? मुझे दो एग्जाम्पल दो, दो एग्जाम्पल तो मैंने देखे 1 ही महीने में, पिछले 1 ही महीने में दो एग्जाम्पल कौन से हुए? मोदी जी का तो है ना, हाँ, नरेंद्र मोदी जी। जी के इस तरीके से, मतलब उनकी घाती गई ऐसा समझ लो, क्योंकि ये पूरा प्लान था। एक तरफ से अथॉरिटी बोल रहे हैं जाने दो, अथॉरिटी वहां से पॉलिटिकल एरिया से बोल दिया उनको जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लाइन क्लियर है, और दूसरी तरफ जाकर उनको बोल देते कि यहां से जा रहे हैं आप, पहुंच जाओ।
तो शेर दिल, शेर जैसी व्यक्ति की जो बिल्कुल लीडर है, जो जंगल का राजा है, जो वन एंड ओनली है, उसको परेशानी हुई। समझ में आया कुछ? एक ऐसा ही दूसरा हुआ, वो तो बचे भी नहीं। बोलो क्या हुआ? ये सारी चीजों का आपको ध्यान देना है कि ये क्यों हुआ। कौन? सेना के वो थे प्रमुख, थे सेना प्रमुख, सेना प्रमुख। बराबर बराबर ध्यान दे रहे हो आप दुबे साहब। जो तीनों हमारे सेना के लीडर और बिपिन पूरा रावत, प्लेन फैमिली के साथ क्रैश, ये कोई छोटी बात नहीं है। तीनों के सेना के तीनों पांख, भारत के तीनों नौसेना हो, वायु सेना हो, लश्कर हो, तीनों के प्रमुख, और इन्होंने बिल्कुल शेर की तरह दहाड़े हैं। वो पिछले 10 साल के अंदर मोदी गवर्नमेंट आने के बाद ही हमको उनका पता भी चला था। बाकी पहले नाम कौन जानता था ये बताओ? बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद उनका नाम हम तक पहुंचा भी था ना? बाकी हमको उनका नाम भी पता था क्या? नहीं, इसके पहले तो नहीं, बिपिन रावत का नाम कोई नहीं नहीं जानता। नहीं, यही बात है कि उनके ऊपर भी अटैक होना और उनका पूरा फैमिली के साथ क्रैश हो जाना। अब ये समझ में आ रहा है आपको? ये दो तो ये महीने में ही हो गए, अब पूरे साल